आप सबके पास है ये वाला वॉइस लेसन नहीं है। नमस्ते सर, नमस्ते बच्चे, कैसे हैं सर? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी गुड, यस सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बच्चे, आई लव यू सर, लव यू बच्चे, लव यू, लव यू। कैसे मिलेगा बुक सर? बुक मिलेगा ऑनलाइन पेज नंबर चला इस पे कॉल करने से? नहीं है बुक सर। प्रदुमन सानी, गुड आफ्टरनून सर, क्लास स्टार्ट है क्या? बिल्कुल क्लास स्टार्ट है, यहां से प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपका इंतजार है। कहते हैं कि लड़कियां का फितरत है मुस्कुराने का, हम तो कहां, क्या हुआ उसे प्यार, अच्छा हमने उसे प्यार समझ बैठा, मतलब लड़की मुस्कुराई तो प्यार समझ बैठा, पागल है पागल। यू आर माय आइडियल सर, गुड आफ्टरनून सर। बुक कितने का है सर? सर पीडीएफ है, पीडीएफ तो होगा बेटा, तब तक क्लास स्टार्ट रहेगा सर, क्लास आज स्टार्ट है, फिर ट्यूजडे वेंसडे को शुरू कर दूंगा बैच। सर सेम टाइम पर दो लाइव क्लास कैसे होगा? सेम टाइम पर दो क्लास, पांच क्लास देता हूं मैं। गुड आफ्टरनून सर, आई एम उजमा, उजमा खान कैसी हो? यू आर ग्रेट सर, यू आर माय आइडियल सर, यू आर फिलोसफर सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, लव यू सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सर? ठीक है, हम आप मेरे भगवान हो सर? नहीं बेटा, भगवान के पास मत दो, भगवान नहीं कह सकते आप। माय वेरी नाइस लुकिंग सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यू आर माय ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ, बहुत बढ़िया। इतने दिन बाद बात कर लेता हूँ, अच्छा लगता है तो तारीफ सुन लेता हूँ, तो क्या कर पा रहे हो? नरेशन प्रैक्टिस सेट वन देखते हैं कैसे बनता है। दो क्वेश्चन होता है बेटा, समझना, नरेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको नरेशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो नरेशन आई होप आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, तो जब भी नरेशन या वॉइस बनाना है, देखिए बात समझिए, नरेशन या वॉइस बनाना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या समझिए कि जैसे ही सेंटेंस पढ़िए तो आप ये देखिए कि दो सेंटेंस है कि नहीं, तो इसमें देखिए दो सेंटेंस है, वाटर सुपर यू आर सी रिमार्क मिस हो गया। दूसरा चीज क्या करिए, क्या पहचानिए कि सेंटेंस का मिजाज कैसा है, और दूसरा पॉइंट देखिए टेंस का मिजाज कैसा है, मतलब वो सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है, पहले तो पहचानिए। दूसरा आंसर बाद में, पहले आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या काम करना है, तीन काम, पहला काम दो क्लॉज, दूसरा काम सेंटेंस कौन सा, और तीसरा काम टेंस कौन सा, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे हम, क्योंकि आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, तब आपको ऑप्शन पे जाना है। तो हमने पढ़ा सेंटेंस, क्या पढ़ा सेंटेंस, अब बताएगी ज्योति, ज्योति ना देखो भूला नहीं तुमको मैं, अब ज्योति बताओ कि सेंटेंस में कौन है आर एस, कौन है आर बी, बोलो तो खड़ा हो, जैसे नाम खड़ा जाते हैं, यस, अब ज्योति बताओ कि आर एस ए वाला है क्या, आर एस ए वाला है, आर बी ए है क्या, आर एस है, कौन क्या है, आर बी ए है और ये वाला आर एस है, ऐसा पढ़ा था मैंने, बैठ जाओ तुम बताओ आर बी कौन है, आर एस कौन है, ये आर एस है, आर ए, बहुत बढ़िया बेटा, तुम बात बोली थी, ये आर एस है, ये आर एस, ए आर बी, ये तो सब इसी बात बोला, वैसे मैं सिखाऊंगा उल्टा सीधा, मुझे बताओ कि सी रिमार्क क्या है, आर बी क्या है, आर बी है रिपोर्टिंग वर्ब है, आर एस है, बताओ कौन आर एस कौन आर बी, आर एस आर बी, चलो अब इसमें देखो तुम लोग खुद समझो, तुम लोगों ने जैसे मैं पढ़ाया था कि सब्जेक्ट बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ बच्चा रखने वाला है तो उसे गलती हो रहा है, जो समझने वाला उसे गलती नहीं हो रहा है, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इनवर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, क्या रहा है, इसको कहा था हमने आर बी, इसको कहा था आरएस, इसी एआरबी था, इसको कहा था हमने रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहा था रिपोर्टेड स्पीच, इसी पैटर्न पर आधारित तुम सबका जवाब था कि सर ये वाला है आरबी और ये वाला है आरएस, लेकिन तुमने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, इसको अगर उलट दें, इस पूरे सिस्टम को यहां कर दें, इसको मैं यहां कर दूं, तो आरएस का पहचान क्या है, आरएस का पहचान है स्टेटमेंट, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो होगा आरएस, और जो फ्री होगा होगा आरबी, अब देखो इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन है, ये वाला है जी, तो आरएस ये वाला ना हुआ, और सी रिमार्क इसमें कोई कॉमा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो ये ना हुआ आरबी, पहले आज रहता ना है, अरे तो एग्जाम है, एग्जाम एग्जाम किस काम का, समझा, तो आधा बच्चा तो ऐसे फेल कर जाता है, उसे दिमाग का एग्जाम है नहीं करता, पढ़ता तो आज तो यहाँ आज ही होगा, लेकिन रियल में क्या है आर एस है और ये वाला आर भी है, कितने बच्चे सही थे, कितना सही था, अब सुना गलती कहाँ कैसे होता है, ना खुला, अच्छी बात, तो रिपोर्टेड भर करने को यही बेसिक सिखाने के लिए बुलाया हूँ, तुम अब दूसरा पढ़ा पॉइंट हो गया, तो क्या आर्मी कॉलेज ऑनलाइन बेटा, हाँ तो समझा तुमसे बोला हूँ, हाँ वो गर्ल भी थी, हाँ लड़का छोटे वाला, हाँ ठीक है चलो, तो हमने कहा ये क्या है आर बी, ये क्या है आर एस, ये क्या है आर बी, ये क्या है, क्यों सर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सभी लंबा सेंटेंस है या सभी लंबा, ठीक है यहाँ सर, अब दूसरा पॉइंट पहचानना है सेंटेंस कौन सा है, तो फिर शुरुआत करूंगा ज्योति से ही, बताओ ज्योति कैसा सेंटेंस है, पांच सेंटेंस पढ़ा था, असर्टिव इंट्रोगेटिव इंपरेटिव ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी, कौन सेंटेंस है, तुम बताओ, डब्ल्यू टी बताओ मुझे क्या होता है, इंट्रोगेटिव असर्टिव इंपरेटिव, क्या तुम क्या बोला, बैठो ज्योति ऐसे कहा नहीं चले बेटा, बताओ ऑनलाइन सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तब आंसर निकलेगा, नहीं तो बोल दिया आंसर बी, आंसर सी, तो रटा मार जाओगे आप, सेंटेंस कैसा है सर, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, बा 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 बा, देखो यहां पे, तो व्हाट तुमने देखा, तो तुमने कह दिया कि इंट्रोगेटिव है, तुमने कहा डब्ल्यू एच है, मुझे बताओ डब्ल्यू एच का सेंटेंस होता है क्या, इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव तब होता है जब यहां क्वेश्चन मार्क होता है, और क्वेश्चन मार्क होने के लिए अगली होना चाहिए, तो व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, नहीं बोलते व्हाट अ प्लेस, व्हाट एन आइडिया, नहीं बात सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, और देखो तो लास्ट में सुंदर सा साइन दिख रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसी को कहते बेटा, यही तो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन,
बोलो नहीं देखे तब तुम देखा क्या? धक्का लग जाएगा, रोड पर चल रहा है और हरा और लाल साइन देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। साइन देखे सर, ये मैं चलाना जाता है तब समझा। तो पहला चीज क्या देखा सर, टेंस कैसा है? एक्सक्लामेटरी, क्लियर हुआ? अब तुमने समझा टेंस को देखो तो देखो ये पास्ट टेंस है कि नहीं है? है पास्ट है, सिंपल पास्ट। अब हमने एक्सक्लामेटरी में सी एक्सक्लेम्ड रिमार्क है तो सी एक्सक्लेम्ड विद, अगर वहां पे जैसा सेंट होगा जॉय है कि खुशी है कि दुखी है करना पड़ेगा। दूसरा चीज, अब देखो हमने कहा था कि स्टूपिड, जब कोई व्हाट इज वाटर क्लास तो कहता इट वाज अ नाइस क्लास, है ना? और अगर मान लो वाटर ब्यूटीफुल क्लास तो हम वेरी जोड़ते थे, बता रहा है क्या जोड़ते वेरी। तो यहां स्टूपिड लगा हुआ है पहले से ही, जैसे वाटर फेलो होता वाटर स्टूपिड फेलो तो हमको वेरी स्टूपिड करना पड़ेगा। तो चार ऑप्शन देखना पड़ेगा वेरी कहां लगा हुआ है। तो जहां वेरी लगा हुआ आंसर होगा, तो सी एक्सक्लेम्ड सब में लिखा हुआ है, कंजंक्शन दैट आएगा जाएगा, ठीक है? आपको एक एक लाइन नहीं बनाना है, क्योंकि जब बनाने बैठोगे तो चारों गलत लगेगा। आपको वह चीज पकड़ना है जो आंसर को राइट करता है, एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हो, बेसिक प्रैक्टिस क्लास में करवा चुका हूं, आपको वही देखना है जो आंसर होगा। तो वेरी लगाओ, वेरी कहीं है, आंसर दो गया। आज ये क्वेश्चन नंबर दो में, The police said to the thief, "Don't move." फिर से एक बार बताओ ज्योति, आरबी कौन है? ये don't move क्या है? आरबी है, आरबी वाला आरएस है। तुम अभी नहीं समझे बेटा, तुम समझा कौन है आरबी? The police वाला आरबी है और don't move आरएस। अच्छा तुम कैसे कर रही हो? don't move इसलिए छोटा, इसलिए छोटा है, इसलिए नहीं। देखो साइन देखो, इस साइन के अंदर कौन रहता है? आरबी आरएस, आरएस रहता है। तो don't move तुम्हारा आरएस है, don't move क्या है? बैठो। अब आरएस है, तुम्हें बताओ कि सेंटेंस कैसा है, कैसे बनेगा नरेशन? मैं तो अच्छा ईमानदारी बताओ कि मैं सेंटेंस पाया कि नहीं पाया है, टेंस पाया कि नहीं पाया है? तो बेटा गलती तुम्हारी है। फिर डोंट मूव कैसा है? एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, क्या है? नेगेटिव है, इंपरेटिव है, कैसा है? क्योंकि डोंट मूव, मूव से बना डोंट मूव ऑर्डर आदेश है जिसमें सब्जेक्ट ना हो, ऑर्डर भी हो, इंपरेटिव है। नेगेटिव वाला ये हो गया तुम्हारा आर, भी हो गया आर एस। तो डोंट मूव इंपरेटिव है और इंपरेटिव में कंजंक्शन लगता है टू चाहे नॉट टू, है ना? तो डोंट नेगेटिव नॉट टू लगेगा। अब चेक करो कि नॉट टू कहां कहां कनेक्शन, नॉट टू क्या लगा है? इसमें not to नहीं है तो गलती हो गया, ये did not, not to गलती हो गया, इसमें not to गलती हो गया, कहाँ मिल गया? सिर्फ एक वर्ड सेंस निकल गया। ऐसे ही निकालना है बेटा तुम लोगों को भी, पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या चाहिए सोचो, जो 100% चाहिए अगर वो मिल गया तो आंसर लगा दो। जैसे कंजंक्शन 100% चाहिए, अब पुलिस ने ऑर्डर लगाया, एडवाइस लगाया, क्या मतलब हमको? वो दूसरा प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया क्या है कि हम चेक करेंगे उसमें रियल चीज क्या लगाया है, कंजंक्शन बहुत मामूली चीज है। तो यहाँ पे पुलिस सेड द थीफ डोंट मूव, तो पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू मूव। समझा? देखो बेटा ध्यान रखो, इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, कितना देर पढ़ती हो इंग्लिश सुधी? नहीं पढ़ती हो, नहीं ना? नहीं देखो बताता हूँ जीवन का सच्चाई, इंग्लिश अगर सीखना चाहती हो कोई भाषा लैंग्वेज, द इजिएस्ट एंड बेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज, द इजिएस्ट एंड बेस्ट वे टू लर्न, जैसे इफ यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी कि सर हाउ वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू वन कॉन्सेप्ट, कोई बताएगा नहीं, आई एम टेलिंग वन कॉन्सेप्ट, द इजिएस्ट एंड बेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज टू लिव अमंग नेटिव स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, टू लिव अमंग दोज पीपल हु नोज वेरी वेल दैट लैंग्वेज। Obviously, this type of opportunity is not available to the Indians. So maximum Indians try to learn any language through translation from his mother tongue to second language so that they are unable to speak and write any language. ये बात समझ में आ रही है? मैं कहना ये चाहता कि तुम दुनिया की कोई भाषा सीखना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति के साथ रहो जो वहीं का हो। तुम अंग्रेज के साथ रहो तो भाषा तुमको आ जाएगा। क्यों, कैसे आएगा जी? क्योंकि तुम्हारी मजबूरी होगी। मान लो तुम खाना खा के अंग्रेज के फैमिली डाल दिया, तुम खाना खाओगे ना? अब मानव होने का वही मानव है तो सोशल में प्रेस करोगे, तो तुम उसे बोलोगे हिंदी में, बोलेगा अंग्रेजी में, दोनों में तारतम्य बैठेगा। तो तुम उसको अनुभव करोगे, तुम कौन हो करेगा कि क्या करता है, वो फाइव खा रहा है, तुम कहोगे इट इट, हाँ यस यस इट इट, समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे करता या फिर उसके साथ बोलता जानता, लेकिन यह अवसर तुम लोगों को नहीं मिलेगा। कहाँ ढूंढेगा अंग्रेज, कहाँ ढूंढेगा इंग्लिश स्पीकर पर्सन, समझ नहीं है? तो ऐसा अवसर इसलिए इंडियंस क्या करता है, भारतीय लोग क्या करते हैं कि वो ट्रांसलेशन सीखते हैं, हिंदी ले लिया उस अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया, ये बात उनको टफ लगता है, इसलिए अंग्रेजी वो सीख नहीं पाते। इसलिए कोचिंग का बल्ले बल्ले, कोचिंग का मतलब मैक्सिमम कोचिंग्स क्लेम्स टू टीच इंग्लिश विद इन 30 डेज, 90 डेज, 100 डेज, बट द टीचर हैज नो आइडिया हाउ टू टीच इंग्लिश। मैक्सिमम से क्लेम करता है मैं सिखा दूंगा 100 दिन में, 10 दिन में, लेकिन टीचर को नहीं पता अंग्रेजी होता क्या है और पढ़ाते कैसे, समझ पा रहे हो? लेकिन धर्मेंद्र सर ने कोशिश तो करा, लेकिन यहां बच्चा ही ध्यान नहीं दिया। ऐसा कोई चीज बताओ जो धर्मेंद्र सर ने ना पढ़ाया हो। कहा था बेसिक पढ़ाने से पहले कि काम कहां आएगा? नरेशन में। काम कहां आएगा? वॉइस में। लेकिन तुम लोग सोच रहे आएगा क्या? मतलब आवाज के लिए तुमको सेंटेंस नहीं पता कि सेंटेंस पांच होते हैं। अगर तुम बैठकर रट्टा मार लिए होते तो आज होता था नहीं ना? नरेशन खत्म हो गया। अगर पढ़ लिया होते एक बार अंग्रेजी, मेरा पढ़ा हुआ एक बार पढ़ना है लाइफ में बढ़िया से, झाड़ होगा कि जैसे गाड़ी चलाते हो तो झाड़ के सर्विसिंग करा दीजिए, तो क्या करता मतलब कहीं भी कमी है तो ठीक है। उसी प्रकार अपने आप को एक बार झाड़ करके माइंड को सर्विसिंग कर लो पूरा बढ़िया से, जितना पढ़ना है तरीके से एक बार एक बैच ज्वाइन करो धर्मेंद्र का,
शपथ लो किस बैच में उसी जाना है, चाहे 2 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 4 घंटा, चाहे 8 घंटा, बस अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो बेटा एक ही चीज अंग्रेजी, अगर इंग्लिश तुमको आ गया ना तो कांट इमेजिन कटेगा नहीं। उसको लग रहा है ना कि उसको दिखाई पड़ा कि है तो मामला साफ अंदर में, वो आना चाह रहा होगा, ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा ना, वो कटेगा नहीं, उसको कटेगा नहीं, सुधरेगा वो, अनुभव होगा, सीखेगा, अपने बाल बच्चे को समझाएगा। अब क्या करें, इलाज क्या चलेगा, चले खुला का मत अंदर आ जाएगा, वो दिक्कत है। तो बस मैं रखू, तो आप लोग क्या करिए, एक बैच ज्वाइन कर धर्मेंद्र सर का, और बड़े सीरियस बाबू छोड़ो उतर के उतर रहता है, तो आप मेरी बात समझिए, एक बैच ज्वाइन करिए सीरियसली, और कम से कम 2 घंटा अंग्रेजी पढ़िए। सुबह सोकर कब देखते हो, 8 बजे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तो लोग 8 बजे, 10 बजे, 6 बजे, मैं नहीं देता हूँ, सोते कब हो, पापा जब आते हैं तो 12 बजे तक, तो 8 बजे क्यों उठती हो, हाँ नहीं तो आज सोते 12 बजे आता है, सब कुछ आते हैं 8 बजे ना, तो उसे भी जाते हैं, उससे पहले जाते हैं ना, अच्छा अच्छा नहीं, सो मन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में। अगर 60 साल की उम्र है तो लोग 20 वर्ष सोने में गुजार देते हैं, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा सोता ही सोता है मेरे से। लेकिन एक चीज़ याद रखो, तुम लोग के लाइफ में कोई गोल वोल है कैसे, बस सुबह होगा तो शाम भी होगा, फिर दिन सुबह होगा फिर शाम होगा, ये वाला जिंदगी है या ये जिंदगी है कि नहीं, मुझे इतने दिन में प्राप्त करना है आज का गोल, आज का गोल, कुछ लक्ष्य है तुम लोग जीवन में, क्या गोल है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म वैसे लॉन्ग टर्म निकालना है, अच्छी बात। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो गोल तुम्हारा है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल में तुम डेली का हिसाब रखते हो या 6 महीने का, 3 महीने का, या एक दिन का, 1 मंथ का, देखो बच्चा तुम लोगों के तरीका क्वेश्चन बताऊंगा, एक तरह सिखा रहा हूं, गोल लक्ष्य क्या होता है, समझिए। आपको गोल जब बनाते हो तो गोल, आपने कहा कि मुझे SSC निकालना है, UPSC निकालना है, तो इसके लिए आपका हो गया जहां आपको जाना चाहते हो, आप यहां खड़े हो, तो जब UPSC होती है एक लंबा सफर है, तो क्या जी सफर है, इसके लिए चलोगे, फिलहाल इतना लंबा है, कब फॉर्म निकलेगा, कब भरेंगे, तो क्या होता है ना कि आप एक गोल, अपने गोल को डे में डिसाइड कर लो, डे में डिसाइड कर लो, जैसे आज का दिन, अब देखो SSC UPSC तुम्हारे पास में नहीं, फॉर्म भरोगे तो थोड़ा एनर्जी आएगा, और एडमिट कार्ड आएगा तो थोड़ा सा एनर्जी आएगा, बाकी टाइम एनर्जी डाउन होगा, पढ़ेंगे अगले में, कब पता नहीं कम लगता है, अनिश्चित हो गया। तो लाइफ जो है गोल लेस हो जाता है, मीनिंग लेस हो जाता है, तो अपने जीवन को उत्साह में कैसे बदलें, कैसे बदले, इसका बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहला चीज है कि नो योर सेल्फ। आज मैं वीडियो बनाया था, उसको डालूंगा तुम देखा जरूर, कि भगवत गीता से 3 चीज फॉलो करो तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। पहला चीज दिया है नो योर सेल्फ, तुम अपने आप को जानो कि तुम हो कौन, क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने आप को जानो अर्जुन, तुम अपने आप को नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारे पश्चाताप या ग्लानि हो रही है, तो युद्ध नहीं करना चाह रहे हो। तो सबसे पहला चीज तुम खुद को जानो, तुम हो कौन, तो मैं सुधीर कुमार, महेश कुमार, ज्योति, ना ना ना, नाम नहीं, एटलीस्ट यू लीव अलोन फॉर 1/2 आवर, 10 मिनट्स, 1 आवर अकेले रहो, और फिर अपने आप से आंख बंद करके खुले में सोचो कि तुम दिल्ली क्यों आए हो, तुम्हारा जन्म किस परिवार में हुआ है, तुम कर क्या रहे हो, तुमको करना क्या है, कितना समय बचा है, कितने साल की उम्र में तुम करोड़पति बनना चाहते हो, कितने साल में लखपति बनना चाहते हो, कितने दिन में तुम कमाना चाहते हो, कब तुम क्या करो, आज तुमने क्या कमाया क्या खोया। जब तुम सवाल पूछोगे कि आज तुमने क्या कमाया क्या खोया, आज का दिन तुम्हारा कितना गया, जैसे आज मान लो तुमको 24 लाख रुपया दे दिया जाए, तुम कैसे बर्बाद करोगे उसको, ये दिन और रात ईश्वर के दिया हुआ उपहार है, इस उपहार को बर्बाद करोगे तो ईश्वर को बुरा लगेगा। आपके पास समय अनिश्चित नहीं है, लेकिन हम लोग जीते ऐसे हैं इस लगता है कि अनिश्चित काल तक जीना है, तो फिक्र ही नहीं है, लगता है कि मरेंगे ही नहीं, हर व्यक्ति को पता है कि मरेगा, लेकिन वो मृत्यु को भूले रखता है, वो सच्चाई है कि नहीं। अगर तुमको ये पता चला कि तुम मरने वाले हो तो देखो तुम्हारे पीछे छा जाएगी, लेकिन तुम उस मृत्यु को भूले रहते हो, हर समय काल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, और एक दिन तुम्हारा खाता जा रहा है, एक समय तुम्हारा खा गया, मुंह फाड़ के खड़ा तुम घुसे जा रहे हो, अपनी आंख बंद करो काल को देखो कि काल तुम्हारे पीछे साई की तरफ पड़ा हुआ है, मृत्यु के ग्रास कर रहा है तुमको, और तुमको इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम मरोगे भी। तो सबसे पहले सत्य को स्वीकारो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा उम्र 60 साल के बाद तुम काम करने लायक नहीं बनोगे, 20 साल के हो चुके हो, 40 साल और अभी 40 साल तुम्हारे हाथ निश्चित नहीं है, किसी की अचानक मौत हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, कई कई लोग ऐसे मर गए जिसका भरोसा नहीं था, उम्मीद नहीं था, समझ रहे हो, तो मेरा तेरा क्या भरोसा, कोई गया एक्सीडेंट में मर गया, कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर से प्लेन गिर गया सभी जाएंगे, नहीं, बिल्डिंग जब भूकंप जानता है जी, कब कहां दुनिया पर जाकर भरोसा है। लेकिन अब ऐसा सोचने से 2 घटना घटती है, एक व्यक्ति सरेंडर कर दे कि जब मरना है तो पढ़ने का फायदा, जब मरना निश्चित है पढ़ने का फायदा, फिर जिंदगी आराम से दो खा के जिए, देख फायदा बताओ। तो जीवन जो आपको मिला है, इस जीवन में आप हर सुख और सुविधा को भोगिए, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन आपका है, इस सेंस ऑर्गन को आराम दीजिए, आपके जीवन में रोल करने के मिला है तो रोल कीजिए, दूसरे को डिफिकल्ट है कुछ नहीं, IAS IPS DM जज SP DM PM CM कुछ नहीं, सब मरेगा साला, सब मरने के लिए आपको जिंदा नहीं आया है, सब ऊपर जाएगा, समझा। AP अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, बॉडीगार्ड सोचा निकल गए चुके, अब काम मिला जैसे सोचा, आज नाम याद है कि नहीं है, कहने का सेंस है कि जितना दिन आपका जीवन मिला है एवरी डे चैलेंज लीजिए अपने आप से कि भाई दुनिया में हम कर क्या, अपने आप को आजमाओ, हम कर क्या सकते हैं, कि तुम्हारा लाइफ पाने के लिए ऊपर से देवी देवता भी तरसता है के लिए, तो कि जीवन हर आनंद में है, तुम सब चीज खा सकते हो, पा सकते हो, घूम सकते हो, आराम से कर सकते हो, तो जीवन को सुखमय जीवन बिताओ, आनंद में जीवन, और आनंद में जीने के लिए क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, क्या चाहिए, अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, और पैसा से खूबसूरत चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है, पैसा से बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहला चीज पैसे के लिए क्या काम हो जाएगा, अभी मैं घोषणा करूँ कि टेबल उठा फेंक दो, पैसा लगा फेंकने का, तो पैसा पे जो करना चाहो करवा सकते हो, तो अर्थ के लिए आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ के रहो पैसा कमाने के लिए, इसका मतलब कि आज अगर तुम नहीं कमा रहे हो
तो आज का दिन तुमने इतना रुपया खो दिया। मतलब है कि तुम एसएससी तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी में तुम्हारी सैलरी अगर मान लो 90,000 है, इसका मतलब है कि 3,000 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, है जी। और फिर रूप से बाहर इनकम हो जाता है 6,000 सर, यानी कि 3,000 रुपया तुम लॉस कर लो अपना। अगर जॉब लग जाता तो 3,000 गेन होता ना जी, तो पर डे तुम कितना लॉस कर रहे हो 3,000 का, मतलब तुम करो चाहे मत करो कुछ, तुम्हारा 3,000 पर डे लॉस हो रहा है। अगर यूपीएससी कर जाते तो 10-20,000 50,000 लाख रुपये, तो करोड़ इनकम के बाद बाहर लगा के, तो हर दिन तुम लाखों रुपये लॉस कर रहे हो। उस लाखों रुपये बचा के जाए तो उसका तरीका है पढ़ करके आप उसके बदले कुछ खरीद लीजिए उस पैसे का। तो क्या खरीदिए? नॉलेज। सब कुछ दिमाग में सेट है ना, नॉलेज खरीदिए। अब नॉलेज क्या है तो भाई ये बताइए कि एसएससी चाहे यूपीएससी जॉब लगता तो आप ड्यूटी करने जाते ना जी, तो आप ड्यूटी कर लो। और ड्यूटी के लिए क्या है, घर हो चाहे बाहर हो भाई ड्यूटी करना है, नौकरी में जाना है, तो आप डेली 8 घंटे का वर्क करिए। उस वर्क में आपका जो रिजल्ट होगा, जो सैलरी होगा, वो आपको दुगना करके इस वर्क आगे दे देगा। असल बात को ना, इसलिए एवरी डे अपने आपको ताजा रखिए और हर दिन अपने आपको काम करिए, और काम का ही मेहनत मिलता फल मिलता है। अदरवाइज शो करके जाकर आपको नींद नहीं खुलता, आप सोचिए कि लॉस हो रहा है, पैसा उठना पड़ेगा। हो ना, तो हर दिन जगिए और जग करके एक्सरसाइज रोज करिए, कम से कम 3 मिनट से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, आंख बंद करके थोड़ा सा सांस पर ध्यान दीजिए, उससे आपके अंदर प्रतिभा जगेगा, कुछ करने को मन होगा, कुछ आगे बढ़िएगा। समझ पा रहे हो ना, कुछ करके एक सोचते हैं, विचार विचार ही वस्तु है, जो विचार करोगे तो बस में प्रकट हो जाएंगी। हम सोचते हैं सुबह है तो शाम होगा, शाम है तो सुबह होगा, सोए जा रहे हैं पड़े जा रहे हैं, कुछ निहत्थे नल की तरफ बैठे हुए हैं। समझा, तो बेटा ऐसा बहुत बेसिक चीज है जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और गलत हो जाएगा। इसमें ना तो क्वेश्चन आगे बढ़ो, अननेसेसरी लेक्चर देना पड़ रहा है। तीन देखो, तीन कह रहा है, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। अब देखिए कैसे पकड़ेंगे आंसर, देखो ये आर भी है कि नहीं है, ये हो गया आर एस। अब देखो पकड़ने का आंसर, ये देखो नाउ है कि नहीं है, तो नाउ का चेंज क्या होता है, देन। तो चेक करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन में देन है, नाउ यहाँ आंसर होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अब बच गया सेकंड और थर्ड, यही दो आंसर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ ही सेड दैट, ही आस्क्ड दैट, ही सेड दैट। अब चेक करेंगे आस्क लगाते हैं कब, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तब, तो इंट्रोगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव असर्टिव है, इसलिए भी गलत हो गया। तो बचा कौन, अब सोचो कितने सेकंड में आंसर निकल रहा है, 2 से 3 सेकंड नहीं निकल रहा है, तो ऐसे करोगे तब परीक्षा पास करोगे। परीक्षा में सही आंसर निकालना बुद्धिमानी नहीं है, कितना जल्दी निकालते हो वह बुद्धिमानी। विद इन टाइम 27 सेकंड का टाइम देता है, मैं चाहता हूँ कि 5-10 सेकंड आंसर निकालो, नहीं कुछ ही से सर आई एम गोइंग, आई से क्या, इतना सिंपल पूछा जाएगा, ही क्या नहीं किया, वो तो अंतिम क्रिया, पहले वो देखो जो चेंज होना ही होना है। चेक भी करवाऊंगा, मान लो सब में ध्यान रहता, तब चेक करते कि और क्या है, फिर चेक करते कि आई का ही किया कि नहीं किया, हर चीज़ देखते वो चीज़, एक मिनट थोड़े हर मिनट पाते, क्या समझा। लेकिन एग्जामिनर जानता है कि मैं 2 घंटे का समय दिया हूँ 120 मिनट और क्वेश्चन दिया हूँ 200, तो समय का भाव है, इसलिए वो क्वेश्चन एक पॉइंट देगा ऐसा जो पकड़ लोगे। समझा, अगला देखो क्वेश्चन, चार नंबर देखो, चार कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो मुझे बताओ दिस का दैट होता है कि नहीं होता है, तो दिस का दैट होता है तो चेक करो कहाँ कहाँ दैट लगा है, पहला में दैट है, दूसरा में दैट है, तीसरा में, अब चार में दैट है, यानी या तो आंसर होगा ना, पकड़ना लग नहीं रहा, तो बताओ कौन सा आंसर होगा, बोलो जी। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यानी कि यहाँ आंसर दिया है और यहाँ भी आंसर दिया, आगे पकड़ो, द स्टूडेंट वेदर ही कैन ही कुड, अब कैन का क्वेश्चन कैन दिया है, तो नरेशन में कैन का क्या होता है, कुड हो जाता है, तो ये याद रहेगा तब ना बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, तो बोलो ही कुड होगा नहीं होगा, तो आंसर चार होगा नहीं हो गया। सब पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, सब पूछा हुआ है, तो चौथा समझा जी बाबू, वह क्लियर, तो मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, ये सब तुम लोग को बना कहाँ चाहिए घर से, इसका चौथा हो गया। पांचवा देखो, रामू सेठ, माय मदर इज प्लानिंग टू गो टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। अब देखो इसमें क्या पकड़े सर, अब रामू से ऐसा चीज ढूंढो जिसके माध्यम से आंसर पकड़ में आ जाए, तो क्या ढूंढे बताओ तुम लोग, बोलो क्या ढूंढे, कुछ ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा जो पकड़ में आ जाए, नहीं मिल रहा है, तब उसमें उसके क्या करिए, इज को पकड़िए, इसका वाज हो जाएगा, तो देखिए तो कि सारे में वाज है क्या, पहला वाज है, देखा एग्जाम्पल समझदार है, दूसरे में वाज है, तीसरे में, चौथे में, पूरा नहीं पढ़ना है बबले, पूरा पागल हो जाओगे, वह चीज पकड़ो जो होता है, होना ही होना है, जो होना ही होना उसको पकड़ो, जैसे इज का आवाज 100% और कोई नहीं मिला हमको, नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर, ऐसे पकड़ना, और क्या, टेंस देखो, टेंस देखो, सेंटेंस देखो, और देख लो कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखो फटाफट। छठा नंबर क्वेश्चन, नंदिता सेठ 23 कैन यू सॉल्व दिस सम, अब इसमें दो दो पॉइंट दिया है, एक तो दिस का दैट, कैन का, और यहां पे इफ या विदर, और यहां पे आस्क्ड, अब जिसमें तीनों मिल जाए वही आंसर, चेक कर लो, आस्क्ड तो है, कुड भी है, दिस का दैट नहीं किया, आंसर होगा यही तो पकड़ना है, दिस का दैट किया, कैन का कुड किया, आस्क्ड भी किया, लगता है आंसर हो सकता है, देखते हैं, इफ ही कुड सॉल्व दिस का दिस है, यहां दैट यहां भी कर दिया है, कुड भी कर दिया है, इफ कर दिया है, आस्क्ड भी कर दिया है, तो नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड सॉल्व दैट सम, अब कौन सा था जी, ये बता, नंदिता आस्क्ड नितिन इफ, इफ के बाद इसमें सब्जेक्ट दे नहीं किया है, लेकिन सब्जेक्ट दिया है, तीन आंसर होगा, देखा ये सब पकड़ना है, बोलो दिमाग खुला नहीं, खुला खुला है, आओ देखो खुदा है, देखो तो बनेगा सब ऐसे ही जितना बनेगा, लेकिन तुम लोग ये बताओ घर पे बनाने का प्रयास क्या था, कौन कौन किया था, तुम लोग किया था बालक ऑनलाइन, डाउट है, अभी एक सेकंड इसको आने के बाद, ही सेड हाउ लवली द सीन इज, हाउ लवली द सीन इज, तो ही एक्सक्लेम दैट
अब देखो हाउ लवली लवली दे दिया है, इसका मतलब क्या लग जाएगा? वेरी वेरी लगा है कैसे इन दो इज लगा है। चलो अब डाउट पूछो सर, डाउट ले रहा हूँ बना आपको पता लगा इसी से का दे रहा क्वेश्चन। अब डाउट है कोई सा बंदा आसान है 13 नंबर, एक सेकंड में उंगली रखूंगा आंसर मिल जाएगा, एक्सप्लेन करना है कर तो रहा हूँ सर। देखिए आराम से क्वेश्चन को आपसे, ही सेड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट 10 नंबर। अब बताइए क्या इसमें लग रहा है, जल्दी बताओ तो समझ गए इतने चौपड़ सारे बच्चों के पढ़िए। नहीं समझा अब आ जाओ मेरी तरफ, ये क्वेश्चन दिया राइट, ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट ठीक है। अब हमको बनाना है क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले उसको हटाइए जो बिल्कुल आंसर नहीं होगा ठीक है, बिल्कुल आंसर नहीं होगा तो कैसे हटेगा सर? तो पहला चीज देखिए ही सेड दिया है, अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि सेड को चेंज नहीं करना है पहला चीज, तो नहीं इंक्वायर्ड होता है इंट्रोगेटिव में, तो चौथा आंसर किसी की मतलब नहीं होगा, तो जिसके होने का चांस उसको आपने ध्यान करा होगा, मैं चारों ऑप्शन पढ़ता नहीं हूं कभी, देखो आप भी पढ़ना ऑप्शन, बस जो नहीं उसको हटा दीजिए नहीं होगा, पॉइंटेड दिया नहीं होगा दो करते, तो सबसे पहले भीड़ को कम करें, कैसे हमने बताया वॉइस में जैसे आप अकेले खड़े हो, चार लोग एक यहाँ एक यहाँ पीछे, चार लोग आपको मारने के तैयार है, तो आपको पता है कि अगर मैं डेमोलाइज हुआ चाहिए मत था तो मार देगा, तो आप सबसे पहले उसको पकड़ोगे जो कमजोर है आपसे, सबसे पहला तो जो कमजोर उसको दबा के पोटी दबा दो, फिर उसके बाद जो कुछ दबा दो, फिर सोचो क्या है, तो ये दोनों को क्या लगा कमजोर है, तो भाई उसने क्या किया, अब भीड़ कम हो गया ना, अब दूसरी पार्टी करना है, अब देखिए दोनों मिलाएंगे ही सेड दैट ही सेड, अब देखिए इट इज यूज देयर, अब ही सेड दैट देयर यूज्ड टू बी, अब सुनता है ऑप्शन में देयर है क्या, है देयर, तो देयर आया कहां से, अननेसेसरी है कि नहीं, इसको काट दीजिए बचा कौन, इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, आप इलिमिनेट करिए, मैं ढूंढिए राइट आंसर क्या होगा, या ढूंढिए क्या नहीं होगा, मतलब चार चोर है, चारों चोर है, आप उसको पकड़िए जो कम चोरी किया है, समझे, ये चारों ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको बनाने के नहीं दिया है वो, किसका बनाइए लिख करके, वो कहा इस चार में कौन सही होगा, तो उसी में पकड़ोगे जो चलाना काम चलाता होगा, तो पता चले कम चोर कौन है, तो जो ज्यादा गलती क्या उसको हटा दो, जो कम क्या उसको लगा दो, अभी देयर अननेसेसरी कहां गया, ये देयर ये था जी हाँ इसे में ये देयर अननेसेसरी आया है, अब देयर यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, तो ये भी ऐसा सेम है, तो इट सही क्यों नहीं, इट का थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तुम लोगों को थर्ड पर्सन चेंज इट चेंज होगा नहीं, देयर से आ गया डाउट, अगर डाउट बोलो समझा ना, 18 नंबर सब बता दो सब, ऐसी बात बता डरो मत, देखो ना हलवा करता हूं हलवा 18 देखो ना है 18, तुम दिमाग वाले फटाफट, तुम लोग दिमाग वाले एक बार सोच लो, और बच्चे हैं ना यहां पे सोच सोच लिया, तुम लोगों को पूरा बना के आना चाहिए था, मजा आएगा जी, अब घर पे आते किताब खत्म होता है, आई वॉन्ट हर बैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलर, इसका मतलब कि नरेशन बना हुआ है, आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट इन डायरेक्ट है क्वेश्चन, पूछ कह रहा है तो यही बना लो, यानी दैट हटेगा दैट, अब आई यहाँ भी आई यहाँ भी मतलब आई आई नो चेंज हो रहा है, ही नहीं होगा, कुड है तो कैन चाहिए, कुड है तो अब बाकी चीज देख लेंगे आगे, तो वांड हर दिया तो आई सेड टू हर होगा ही जो कि चारों में दिया बोलती, अब दूसरा पॉइंट पकड़ना है कि अब देखना है यहाँ पे कि दोनों जगह पे आए हैं, इसमें 100% यहाँ पे यू नहीं होगा, 100% यहाँ पे यू और ही क्यों सर, क्योंकि अगर यहाँ पे ही होता चेंज कितना ही होता, यहाँ भी आई सब इनडायरेक्ट अगर आई है तो डायरेक्ट भी आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे आई है तो चेंज नो चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट में ही रहता तो भी यहाँ पे इसके अनुसार आई जाता, तो एक जगह पे कोई कुछ कुछ मामला कमाल ऐसा है, समझ रहा है, देखिए अब यहाँ दो समझ में आ गया, तीसरा देखिए कैन कैन सब क्या हुआ, कैन यहाँ भी कैन यहाँ भी कैन यहाँ पे, अब देखिए कि बच्चे तेरे पास कौन सा दो और चार, अब दो और चार में देखिए आई कैन नो लॉन्गर नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग और सी कमिंग, अब देखिए सी है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के साथ बी को कभी आ सकता, योर है पजेसिव शी इज कमिंग होता है, सी कमिंग होता है, सी कमिंग आई कमिंग होता है, टेंस पाएंगे हाँ आई कमिंग होता है, आई एम कमिंग ना, तो सी कमिंग कैसे हो जाएगा, योर है पजेसिव, माय कमिंग, योर कमिंग, हिज कमिंग, पजेसिव वर्ब कमिंग हो सकता है, हर चीज ध्यान रखना है, पकड़ लिया सोच लिया, लेकिन ग्रामर भी तो देखोगे, हर चीज लेके चलना बेटा, एग्जाम है एग्जाम, सी कमिंग कभी यहाँ पे अगर होता है यहाँ पे हर हाँ ऊपर हर कमिंग दिया है ना, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हर किया गया है, ये मैं सोचो इसके अनुसार अगर हर यहाँ पे रहता ना होता, अगर यहाँ पे हर होता तो आंसर हम चार मारते, एग्जामिनर चेक किया है तुमको तुम ग्रामर आता कि नहीं आता है, तुम रेशन के हो तो यहाँ से चेक क्या करें तुमको ग्रामर भी, अरे सी कमिंग कैसे हो जाएगा, सी इज कमिंग बोलो चाहे हर कमिंग बोलो, पजेसिव प्लस जेरेंट, समझा, यू नहीं बेटा योर, देखो ध्यान दो, माय आवर योर हिज हर दियर के बाद भी पूरा था, प्लीज एक्सक्यूज माय कमिंग लेट, ऐसे बोलेंगे प्लीज एक्सक्यूज आई कमिंग लेट, गलत हो जाएगा, माय कमिंग, माय एक एडजेक्टिव होता है, उसके बाद जेरेंट का प्रयोग किया जाता है।
वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब ना बने देखो, जब आंसर तुमसे आंसर देखा कि बी है और तुमको लग रहा है कि आंसर बी कैसे है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये वाला कैसे है, जो आंसर तुम्हारा क्या कैसे, दोनों कंपेयर करो, पहले भीड़ घटा दो, चार में दो घटा दो, फिर दो को देखो कि ये वाला कैसे, ये वाला कैसे, फिर दोनों को पूरा पढ़ लो, देखो कि ये ऐसे हो रहा है, इसके बाद ग्रामीण चेक हर चीज कर लो, डर मत, रिस्क लो, रिस्क 25 में से रिस्क लो, अगर 20 प्लस सही है तुम्हारा, 20 प्लस सही है तुम्हारी स्थिति सही है, और अगर 20 से नीचे है 25 में से तो इसी खराब है, प्रैक्टिस और करो, 20 21 22 23 एक्सेलेंट है, क्योंकि देखो अगर 25 में से नहीं बनाऊंगा ना तो समझ गलती हो जाए, कैसे हो जाएगा, 25 बना रहे धोखे से बी की बना जाएगा, तो उसको कहते हैं नेचुरल डिफेक्ट, हम जान नहीं किए अनजाने मारना भी थमा दिए, तो वैसे तुमसे भी हो जाएगा, तो बोलेगा कि आंसर बी रखने जाओ तो रखना सी में, वैसे भी हो जाता है, हम परीक्षा देते थे तो कभी रखने का दिमाग में भी रखना है, अब आप बी में सी में रहा, हाँ इसको मानवीय भूल कहते हैं, गलती नहीं मानवीय भूल हो जाता है, अब बता 23 नंबर देखो ना, 23 नंबर 23 यही है 5, देखो इसमें तुम्हें डर गया होगा, क्योंकि इसमें डबल बना होगा 5, 5 में दिया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अ सोल्डर एंड अ फेयर फाइटिंग, यहां पे दिया है सिल्वर, अब यहां डबल बनेगा, क्या बनेगा, पहला चीज 5 दिया है तो सरप्राइज नहीं होगा, 5 में छी छी धिक्कार है तुम्हें, 5 मतलब धिक्कार है, देखो धिक्कार, अब धिक्कार में तो सरप्राइज नहीं होगा जी, एड्रेसिंग अबाउट क्लास टीम बाबर क्रश द सोल्डर बाबर क्रश एंड एक्सक्लेम दैट, यानी बाबर क्रश भी किया एक्सक्लेम भी किया है, आंसर इसका 100% चार होगा, सब दिया चार, इसका इसका आंसर चार, हां हां वो तो दो दिया ना, देखो एक तो यहां फाइट दिया और एक यहां पे दिया, डबल क्लास दिया ना, फाइट में अधिकार, अधिकार के लिए क्या हो गया क्रश, अब फिर इसको क्या फ्रीडम फाइट मतलब मेरा सिपाही लड़ने से डरता है, उसको आश्चर्य भी हो रहा है ना, ऐसा मैं कोई बोलूं कि मेरा भी साथी खेलोगे ना, दो क्लास दिया हां, इसलिए यहां पे दिया एक्सक्लेम दैट सोल्डर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, दिमाग का थोड़ा बहुत है ना, दिमाग का फिर बनाना उसको, कोई दिक्कत होगा नहीं, सब बन जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है गाड़ी का काम किया जाए, फिर हम लोग अभी बनाना इसको बन जाएगा, ठीक है ना, कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे स्टूडेंट आप लोग तो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ सीधा आप नाउन पढ़ने ही आ जाए, ठीक है, तो जिन बच्चों का नाउन छुटा होगा वही पढ़ने आना, अगर आपको नाउन पढ़ा होगा तो आने का सकता नहीं है, नाउन का क्लास चलेगा, ग्रामर क्लास चलेगा, आप सबों का धीरे धीरे आप मैं क्लास दे